हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में। जैसे कि तिरंगा कब बना और किसने बनाया, तिरंगे में कितने रंग हैं, तिरंगे के सभी रंगों का मतलब क्या होता है, तिरंगे में अशोक चक्र क्या दर्शाता है, तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रत्येक देश का अपना एक राष्ट्रीय ध्वज होता है जो देश के स्वतंत्र होने का प्रतीक होता है। इसी प्रकार भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था, जिसे पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था। इसमें तीन रंग हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। फर्स्ट केसरिया रंग, सेकंड सफेद रंग और थर्ड हरा रंग। सबसे ऊपर केसरिया रंग जो देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। नेक्स्ट बीच में सफेद रंग जो शांति, एकता और सच्चाई को दर्शाता है। नेक्स्ट नीचे हरा रंग जो विश्वास, विकास और उर्वरता को दर्शाता है। और बीच में अशोक चक्र है, जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है। इसमें 24 तीलियां होती हैं। इसकी 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाने का काम करती है। तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? यह प्रश्न अक्सर कुछ परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है। तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। अगर चौड़ाई और लंबाई की बात करें तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।